जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग मुगल कालीन चित्रकला के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और 225 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग 226 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो अभी जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, जो पुराने हैं उन्होंने तो कर लिया है, नए हैं और वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और जो भी पुराने मित्र देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए 226 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है कि बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है। तो जहांगीर काल के जो चित्र बने हैं उन्हें बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जहांगीर के काल के बने चित्रों को बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य के द्वारा भी का प्रयोग करके देखा जा सकता है। 227 नंबर प्रश्न। जहांगीर दरबार में सभी वो बिशन दास के बारे में बात कर रहा है, तो सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार कौन थे? बिशन दास सभी बनाने में उस्ताद थे। मंसूर की बात की जाए तो ये पशु पक्षियों और वनस्पतियों के चित्रकार थे। यहीं अगर अबुल हसन की बात की जाए तो जहांगीर ने अबुल हसन को सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 228 नंबर का प्रश्न। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए कई बार आ चुका है, अबुल हसन के बारे में बात कर रहा है, के चित्रकार का नाम बताइए। अबुल हसन, अबुल हसन इसके चित्रकार हैं। 229 नंबर का प्रश्न। मध्यकालीन भारत के इस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, सभी जानते हैं जहांगीर। अगला प्रश्न 230 नंबर का प्रश्न। मंसूर और मनोहर इसके मशहूर चित्रकार दरबारी थे। ये तो मंसूर के बारे में तो कई बार जान चुके हैं, ये पशु पक्षियों और वनस्पतियों का चित्रकार था। मनोहर भी जहांगीर के दरबार में चित्रकार था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। अगला सवाल, इसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। अगला प्रश्न, किंग वल्चर ग्रिफिन, एक प्रश्न एक बार और आ चुका है, मंसूर के बारे में है, किसने चित्रित किया? मंसूर ने चित्रित किया। 233 नंबर का प्रश्न। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमा मतलब कि वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया। तो ये सम्मानित किया था अबुल हसन को। चलिए अगला प्रश्न, अबुल हसन ने ही क्या नाम है कि जहांगीर के दिल को राजकोट जब वो अपना राज तिलकोत्सव कर रहे थे, राज तिलक जब उनका हो रहा था, तो इसी ने चित्र बनाया था। अगला प्रश्न 234 नंबर का प्रश्न। टर्की मुर्गा, तो ये पशु पक्षी में आता है, तो इसे कौन बनाएगा? मंसूर, मंसूर बनाया है। 235 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से
कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सैफा बानो, सैफा बानो मुगल दरबार की महिला चित्रकार थी। दो सौ 36 नंबर का प्रश्न, किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी का नहीं होना चाहिए भाई, या मुगल चित्रकारी का होना चाहिए, मुगल चित्रकारी का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ये होगा जहांगीर, ऐसे ही लिख देता है जहांगीर। चला 237 नंबर का प्रश्न, जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों के सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? बार बार मंसूर के बारे में पूछा था है। दिए गए विकल्पों में पहचानिए मंसूर रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 238 नंबर का प्रश्न, मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल दरबार के जहांगीर के शासनकाल से संबंधित था? चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है मुगल कालीन चित्रकला। निम्नलिखित में कौन मुगल शासक, और सॉरी मुगल कालीन वास्तुकला ने, वास्तुकला मतलब वह शाहजहां के बारे में बताइए, सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया शाहजहां? किस बादशाह काल का शासन काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो यह शाहजहां का काल है, इसका काल भी हो गया था। ताजमहल वजमहल बनवा दिया था अपना जिंदा रहते, बाद में इसका लड़का इसको कैद कर लिया था। हाँ तो 241 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन कह रहा है, ताजमहल सर्वाधिक सुंदर विश्व धरोहर वास्तुकला का नमूना एवं विश्व के 7 अजूबों में से एक समझा जाता है। ये तो सही आटे। अब कारण देख लीजिए, अपने ऐतिहासिक महत्व से परे यह सौंदर्य पूरक रूप से आनुपातिक और कला का महत्वपूर्ण नमूना है। हाँ तो दोनों बातें सही है, इसमें तो कुछ गलत करना है नहीं, उसी ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हाँ 242 नंबर का प्रश्न, किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है? तो ये लाल किला में स्थित है मुसम्मन बुर्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 243 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुए? जहांगीर के बारे में बात कर रहा है। जहांगीर के काल में ये राजस्थानी वास्तुकला से प्रभावित हुए थे। 244 नंबर प्रश्न, पिट्रा ड्यूरा तकनीक क्या लगाने से जुड़ी है? तो पिट्रा ड्यूरा में धातु जैसे सोना चांदी हो गया या पत्थर हो गए, दीवारों पे लगा के नक्काशी की जाती है, उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, इसी को कहते हैं पिट्रा ड्यूरा। ये काम ज्यादातर हुआ था जहांगीर के काल में।
जहांगीर ने इसका ज्यादा उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 245 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बाबर के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ पर है। तो आया था, लड़ाई लड़ा था पानीपत में, और वहीं पे अपना एक ठो मस्जिद वस्जिद बनवा दिया था चिन्ह के रूप में कि हम यहाँ पे लड़े थे और युद्ध जीते थे। पहला युद्ध किससे जीता था कमेंट में लिखिएगा, इब्राहिम लोदी। कमेंट में आप लोग लिखिएगा किससे जीता था, इब्राहिम लोदी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 246 नंबर का प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसके लौंडे ने, किसके पुत्र ने बनवाया था। जहांगीर के पुत्र ने बनवाया था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था ना, तो उसी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 247 नंबर का प्रश्न, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। इसमें नहीं कहा किसके पुत्र ने बनवाया था। तो जो जो मरा उसका जो लड़का है, चाहे लायक हो चाहे नालायक, लेकिन क्या करे, ये जो प्रथा है करेगा मकबरा बनवाने वाला। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि मकबरा सही है बनना, कमेंट में अगर आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो बताइएगा। हाँ, सहमत। क्या मतलब है ये सब बनवाने का, न मकबरा बनवाने का, न कोई रहना है, न किसी को, न कुछ करना है। उतना जगह उतना पैसा खराब है, कोई मतलब है नहीं इसका। वो तो क्या बनवा दिए थे अपना भाई, बादशाह रहे हैं, अकबर ने बनवाया था इसको। ताजमहल का वास्तुकार कौन है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप 5 स्टार दे सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल तो सभी जानते हैं ना किसने बनवाया था, कमेंट करके बताइएगा। 249 नंबर का सवाल, लाल किला का निर्माण किसने कराया था। अभी पूछा था किसके लड़के ने करवाया था, अब पूछ रहा है किसने करवाया था। कुल मिला के कई ने करवाया था, जहां शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पूछ लेता आगरा का लाल किला, तो आगरा वाला करवाया था हुमायूं के लड़के ने, अकबर ने। अगला सवाल, इंडो सेरेमिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियाँ जानी जाती हैं। इंडो इस्लामिक को इंडो सेरेमिक कला के रूप में जाना जाता है। हाँ, तो 250 सवाल हो गए भाइयों, ताली बजाइए और वीडियो को लाइक करिए। और अभी तक कोई महानुभाव है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो ना यार, तुम्हारा क्या जाता है। 251 नंबर का सवाल, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन है। दोबारा पूछ रहा है जैसे एक बार में याद नहीं हुआ। उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौरी ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर से रहने, लाहौर का रहने वाला, जैसे कहते हैं ना कोई कवि रहता है, फलाना इलाहाबादी, फलाना कनपुरिया, तो इसी तरीके से लाहौरी है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ताजमहल का वास्तुकार। ये भाई माइंडेड आदमी था। अच्छा, अभी एक जो पूछ रहा है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है उसके वास्तुकार कौन है, ये भी महत्वपूर्ण है। और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर क्या, राम की स्टैचू बन रही है,
उसका वास्तुकार कौन है? बुजुर्ग आदमी है, राम सुतार नाम है उनका, वही है। तो 242 252 नंबर के सवाल की उछल है। तो सो 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो भवन नीचे बने हुए हैं इनका क्रम सही करिए। कुतुब तो मीनार सबसे पहले बना, लेकिन ताजमहल जहांगीर के काल, लड़के के काल में बना, शाहजहां काल में, और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा ही बनवाया था हुमायूं के लड़के अकबर ने। तो कुतुबुद्दीन ने बनवाया था कुतुब मीनार, तो पहले होगा भाई, तो सल्तनत काल का था तो पहले हो गया। चलिए, इसके बाद तो अकबर आया था तो फतेहपुर सीकरी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आराम से पढ़ते हैं, कौन जल्दी है। 253 नंबर का सवाल, किस शहर के निकट बुलंद दरवाजा है? फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 254 नंबर का सवाल, कथन कह रहा है, बाबर ईरान से दो चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समाद को भारत लाया था। मीर सैयद अली तो था, अब्दुल समाद नहीं था। कथन गलत है भाई, कथन गलत है। अब तर्क कह रहा है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों चित्रकार व्यक्ति चित्रण में पारंगत थे, तो ये भी गलत है, तो तर्क भी गलते हैं, काट कूट देते हैं। जब सब गलते हैं तो ए ही सही है। अब 255 नंबर का सवाल कह रहा है, हुमायूं का मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन है? ये देखिए, महत्वपूर्ण सवालों में इसकी भी गणना की जाएगी, क्योंकि ये सब सवाल जल्दी आते नहीं हैं। ये है मिरक मिर्जा गयास। गयास ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। 256 नंबर का प्रश्न, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये एक आदमी ने कहा था, रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच ने कहा था कि दोनों लंदन से बड़े हैं। 257 नंबर का सवाल, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था, जब गुजरात जीता था तभी बनवाया था। अगला सवाल, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में है, जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? शाहजहां के बारे में बात कर रहा है, लाल किला बनवाया था। अगला सवाल, 1 करोड़ रुपए का, कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए, जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने, कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने, गोल गुम्बद बीजापुर आदिल शाह ने। मिल गया है, आप लोग देख लीजिएगा, बी वाला सही है। अगला, 261, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति विभिन्न दर्शन ग्राही है, सही बच्चे। राजनीतिक चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया, गलत अच्छे, आर गलत है, ए सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः
से हिलवा। 263 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के दो गुंबद है? ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, मोस्ट 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 के पावर इनफाइनाइट इम्पोर्टेंट। हुमायूं का मकबरा। 264 नंबर प्रश्न कह रहा है, मिर्जा मिराक मिर्जा घियात किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? तो घियात हुमायूं के गुंबद का मुख्य वास्तुकार है, इसमें दोहरा गुंबद है। 265 नंबर, प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ पर स्थित है? आगरा में। हमें लग रहा है ये आखिरी सवाल है क्या? 266 नंबर। ताजमहल का निर्माण कहाँ हुआ? ले भैया आगरा में और कहाँ हुआ है। तो चलिए इसी के साथ ये मुगल वास्तुकला चित्रकला दोनों समाप्त हो गई। इसमें हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और पगला औरंगजेब के बारे में पढ़े, मतलब प्रश्नों को सॉल्व किए। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला में प्रमुख रूप से जो चार मुख्य उसकी शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, मेवाड़, मारवाड़, भंडार, हड़ौती, चारों के बारे में पढ़ेंगे, बकायदे पढ़ेंगे। तो अगर आप अगला वीडियो देखना चाह रहे हैं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब करने से कई फायदे हैं। एक तो हमारा फायदा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। दूसरा आपका फायदा, आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इतना जब फायदा हमारा आपका दोनों का है तो क्यों ना इसमें आगे बढ़ें आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका तनिक भी नुकसान नहीं है, बस अंगुली को थोड़ा सा कष्ट होगा, सब्सक्राइब वाली लाल वाली जो बटन है उस पर टच करना पड़ेगा, इतना मेहनत आपको करना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे अब तक इतना कहने के बाद। इतना तो हमारे दोस्त लोग बेशरम है नहीं कि इतना कहने के बाद सब्सक्राइब न करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।